यमन का हुती हर वो कोशिश कर रहा है जिससे इसराइल का ध्यान गाजा और हिजबुल्ला से हटकर उसकी तरफ आ जाए, ताकि इजरायली सेना हिजबुल्ला के खिलाफ पूर्ण युद्ध के लिए मैदान में न उतरे। और वो इसी कड़ी में बार बार लाल सागर में इसराइल और अमेरिकी जहाजों पर भीषण हमले कर रहा है। यहाँ तक कि अब हुती के हाथ लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लग चुकी हैं, जिससे उसने 25 जून 2024 को एमएससी सारावी जहाज के ऊपर हमला करने का दावा किया था। और अब हुती कह रहा है कि उसने इराक के प्रतिरोधी समूह के साथ मिलकर इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन के हाइफा बंदरगाह पर एमएससी मेंजानेलो जहाज पर एक बड़ा हमला किया है। हुती का कहना है कि उसने जहाज पर कई ड्रोन हमले किए हैं। और इस हमले को लेकर हुती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने भी कहा है कि कब्जे वाले फिलिस्तीन के हाइफा बंदरगाह पर एमएससी मेंजानेलो पर संयुक्त रूप से हमला किया गया। نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة ام اس سي مانزانيلو الإسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. वहीं हुती के इस दावे को लेकर इजरायल की सेना की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायली सेना का कहना है कि उसे इस तरह की किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने इसको लेकर कहा कि उन्हें हाइफा बंदरगाह पर इस तरह की असामान्य घटना का कोई संकेत नहीं मिला है। आपको बता दें कि हुती ने जिस जहाज पर हमला करने का दावा किया है उस पर पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ है। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि हुती ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने इस मिसाइल को हातेम 2 टाइप हाइपरसोनिक मिसाइल बताया था। और सबसे अहम बात यह है कि हुती ने पहली बार इस मिसाइल से वीडियो के जरिए पर्दा उठाया है। हुती का कहना है कि उसने इस मिसाइल से अरब सागर में एमएससी सारावी इजरायली जहाज पर हमला किया था। हुती ने दावा किया था कि उसने इस जहाज पर एडन की खाड़ी से करीब 450 किलोमीटर दूर निश्तून के दक्षिण पश्चिम में अटैक किया था और ये इलाका ओमान बॉर्डर से काफी करीब है। और गौर करने वाली बात यह है कि जिस इलाके में यह हमला हुआ वहां पर यमन की निर्वासित सरकार का नियंत्रण है। हालांकि हुती हर बार अपने हमले को सटीक बताता है, जबकि एमएससी सारा को लेकर ब्रिटेन की मैरिटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि जहाज के करीब एक धमाका हुआ है, लेकिन इस हमले में जहाज के क्रू और चालक दल सुरक्षित हैं।